जो मर जाते हैं, तब एक ब्रह्म मरे, काल मरे, अपना शरीर त्याग देता है। और फिर ये एक युग हुआ 0.7 लाख बार, ये त्रिलोकीय शिव मर जाएगा। तब एक परब्रह्म का युग हुआ, और ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का दिन इतनी ही रात्रि, नोट चतुर्युग, ओनली युग, केवल युग गा है इसमें, 1000 युग का परब्रह्म का दिन इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु। लेकिन यो भी मरेगा, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी तेरी हो जाएगी तो भी तेरी मृत्यु होगी भाई, क्यों? क्योंकि तुझे वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, उनकी उनके ज्ञान की छींट तेरे कानों तक नहीं पहुंची, जिस कारण से तू फिर भी जन्म मृत्यु में रहेगा। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 17 में देखिए, आपने देखिए इसका ये बताओ। अब ये देखिएगा 18वें में कहा है, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा का नहीं है, संपूर्ण चराचर भूतगण इस ब्रह्म के परब्रह्म के एक दिन प्रवेश काल में अव्यक्त यानी उस अव्यक्त परब्रह्म बोलिए, यहां गलत लिखा है इन्होंने, परब्रह्म के लोक से उत्पन्न होते हैं, और परब्रह्म की रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यक्त में समा जाते हैं, यानी परब्रह्म में ही के लोक में चले जाते हैं, लीन हो जाते हैं। आगे देखना, 19 में स्पष्ट किया है, हे पार्थ, वही यह समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति से वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। अब 20 में कमाल कर दिया, परंतु उस अव्यक्त यानी परब्रह्म से परे जो दूसरा अव्यक्त, अन्य जो दूसरा अव्यक्त है, सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम देव पुरुष सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब यहाँ क्योंकि बार बार हमने समझाना पड़ता है, गीताजी अध्याय नंबर 7 के गीताजी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं अव्यक्त हूँ और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। अव्यक्त माने जो वस्तु है कहीं पर हमारे हमारी रीत से बाहर है, हम उसको देख नहीं सकते, उसको अव्यक्त कहते हैं। जैसे रात्रि के समय सूर्य अव्यक्त है, लेकिन सूर्य विद्यमान है, वो खत्म नहीं है। जैसे बादल छा जाते हैं सूर्य के सामने, तो उसमें बादलों से छुपा हुआ है वो सूर्य, लेकिन वो स्पष्ट, वो साकार है, विद्यमान है, अव्यक्त है। तो यही कहा कि मैं अव्यक्त हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। वहां तो प्रथम अव्यक्त हुआ ये ब्रह्म, अब दूसरा अव्यक्त ये परब्रह्म हुआ, लेकिन उस तीसरे में कहा कि उस अव्यक्त से भी परे जो अविनाशी अव्यक्त भाव है, वो परमात्मा तो सबके प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। शेरा वाली कूदा देखो, और तेरा गजब हो गया, ये ब्रह्मी करवा रखी नकली संतों और गुरुओं ने सारे भूत बना दिए। अरे कूदे अड़ा डांस करें आकर के, बहन बेटियां बुरा हाल हो रहा इनका। यहाँ पर जैसे आपने दिन के सत्संग में सुना था, सुबह के सत्संग में सुना कि युधिष्ठिर में भूत बढ़ने लग गए, वो प्रेत आत्मा है जो युद्ध में मारी गई थी, वो युधिष्ठिर में राजा में प्रवेश कर गई, उसकी ब्रह्म माटी कर रही थी, और वो तीन ताप वो भूत भी ना लिखने ना श्री कृष्ण थे के भोजन खानते हैं, उसके बताए भी दानते हैं, वो भी परमात्मा कबीर जी के उस सुदर्शन अर्थात स्वयं ही उन्होंने सुदर्शन रूप धारण करके वो तीन ताप वो भूत भी काटे परमात्मा ने युधिष्ठिर के। अब सब जगह भरम भटक कर ये प्राणी इस परमात्मा के चरणों में आते हैं, और ये भूत रो पीट का आप भाग जाते हैं कुछ दिनों में। परमात्मा के उद्धार अलग से होता है, ये फ्री में ट्रीटमेंट हम नहीं करते इसका। ये परमात्मा की वाणी में इतनी शक्ति है कि ये रह ना सकते, जैसे ऑल आउट के सामने माथे डटे ना सकते, आप भाग जाते हैं।
अब देखिएगा अध्याय नंबर 8 का आपने 20वां श्लोक सुना, अभी 21वां सुनिए। 20वां आपने सुना कि परंतु उस अव्यक्त से यानी परब्रह्म से भी परे जो दूसरा अव्यक्त विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है सदा रहने वाला वह परम देव पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा तो सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता भूत माने प्राणी। अब 21 में देखिएगा अव्यक्त अक्षर अक्षर माने अविनाशी अव्यक्त अविनाशी इस नाम से कहा गया है वही तीसरा भगवान इस अक्षर नामक अव्यक्त भाव को ओहो अक्षर यानी अविनाशी नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं वहां चला जाता उसको परम गति कहते हैं। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम वह मेरा भी परम धाम गीता ज्ञान दाता कहता है। आगे देखियो 12-22 में हे पार्थ जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत यानी सब प्राणी है जिस सचिदानंद घन परमात्मा से यह संसार समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन व्यक्त तो परम पुरुष वह परम यानी पूर्ण परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अब इसे स्पष्ट हो गया परमेश्वर समझा रहे हैं रामानंद स्वामी को उस महर्षि के पर्दे खोल रहे हैं अज्ञान के को हटा रहे हैं कह रहे हैं कि गीता अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक तक भी सभी जन्म मृत्यु में आते हैं और 8वें अध्याय के 18, 19, 20, 21 और 22 में स्पष्ट किया है कि वो अविनाशी परमात्मा उस पूर्ण परमात्मा के लोक में जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट किया है कि जिस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस परमात्मा के परम उस परम पद को की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद ये साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कह रहा कि मैं भी उसकी शरण में हूं। फिर देखिए सुबह भी आपको दिखाया था और अब फिर देखिए पुण्यात्माओं ये अंधेरा हटाना है ये तभी हटेगा कि इस बार बार ज्ञान को सुनने से इस परमात्मा के बच्चे लाखों की संख्या में प्रचारक बनेंगे समझाएंगे अपने बहन भाइयों रिश्तेदारों को सबको जा जाकर इनकी उंगलियां पर रटा जाएगा। और जब ये अंधेरा नाश होगा ज्ञान का और पूरी पृथ्वी के ऊपर प्रभु का ज्ञान होगा सभी प्राणी सुखी होंगे यह माया की दौड़ मिट जाएगी परमात्मा सुख देगा आपकी बरकत देगा हर एक चीज में लाभ देगा ये एक दूसरे से लेना लूटना रिश्वत लेना ये नरक नहीं भोगेंगे हम ये विष नहीं खाएंगे क्योंकि ये हमें फिर आगे जाके दुख देता है। हम एक दूसरे को लूटकर धनी बनना चाहते हैं कभी नहीं बन सकते वो और कहीं से निकल जाएगा धनी बनाओगा भगवान और परमात्मा की भक्ति और नाम उसके नियमित किया हुआ धर्म लूटने से नहीं लूटने से धनी बनता है परमात्मा की शरण माने के बाद। अब देखो 15वें अध्याय का 4वां श्लोक स्पष्ट कर देता है ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 का ये 4वां श्लोक है या आगे इसका अनुवाद है ये 4वां श्लोक है। उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात उस तत्व ज्ञान से जो विधि मिलती है भक्ति की उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर की भलीभांति खोज करनी चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब इसमें क्या कहा है कि गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है कि
उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। उस तत्वदर्शी संत मिलने के बाद उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर संसार में लौट कर नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मंडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण हूं, उस वही पूजा के योग्य है। अब रामानंद जी का जो ज्ञान था वो स्पष्ट अज्ञान सिद्ध हो रहा है, और परमेश्वर का जो ज्ञान है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ये कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोड़ा तोब का ये करता चले मैदान। अब रामानंद जी की आंखें, ज्ञान की आंखें खुल रही हैं, लेकिन वो पुराना ज्ञान रह रहकर आंट लगाता है। थोड़े से दिन तो पंजे गाड़ा है यो अज्ञान, लेकिन परमात्मा के सामने फिर ये दूर हो जाता है और सच्चाई स्वीकार कर लेती है पुण्यात्मा। अब क्या बता रहे हैं, पौमी धरणी आकाश थंभ, ये चलसी चंद्र सूर्य, कह गरीबदास जी कह रहे हैं, कह कबीर इस तर रजबीरज की कहां रहेगी धूरे। तारायण तरलोके सब ये चलसी इंद्र कुबेरे, गरीबदास सब जावेगा यो स्वर्ग पाताल सुमेरु। जिस सुमेरु पर्वत को तुम बहुत ही अच्छा स्थान मानते हो, देवताओं की नगरी मानते हो, कहते हो विनाश होगा, ये सब चलसी माने विनाश को प्राप्त होंगे, सब पुनर्वर्ती में है, चलते फिरते हैं, यानी नष्ट होते हैं और फिर बनते हैं। चार मुक्ति बैकुंठ बट ये फना हुई कई बार, गरीबदास सतलोक को नहीं जाने संसारे। उस सतलोक को नहीं जानता, जिन चार मुक्तियों की तुम इच्छा की हो, तो तेरा कितनी बार नष्ट हो लिए, कितनी बार जन्म लिए, मर लिए। कहो स्वामी कहाँ रहोगे जब 14 बौन बिहंडे, गरीबदास भी जग कहा ये चले प्राण और पिंड। कहो स्वामी कित रहोगे, कहां रहोगे जब ये 14 लोक भी नष्ट हो जाएंगे और सब त्रिब्रह्मा विष्णु महेश भी नष्ट हो जाएंगे। सुन स्वामी एक शक्ति है अर्धंगियों का, रे गरीबदास भी जग कहा अंत लोक श्रृंगार, जैसे का तैसा रहे ये परलो फना प्राण, गरीबदास उस शक्ति को मैं बार बार कुर्बान। सतलोक में कहते हैं वहां जैसे का तैसा रहे, ये जीव कभी नष्ट में नहीं आता, और उस शक्ति को सतलोक में जो परमात्मा है, उस परम शक्ति को मेरी बार बार प्रणाम है, मैं कुर्बान हूं। और सतलोक में परमात्मा के दरबार में ये त्रिब्रह्मा विष्णु महेश जैसे करोड़ों हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री के दरबार में यहां के एमएलए एमपीओं की कोई स्थिति नहीं है, यानी वहां तो जैसे आईएएस अफसर हैं, एचसीएस अफसर हैं, यहां तो डीसीआर जी लगे एसडीएम, और वहां दरबार में पीएम सीएम के, और उसमें ये वहां एक जस्ट लाइक है, वहां एक सिंपल कागज कार्रवाई करने वाले होते हैं, इनका कोई अस्तित्व विशेष नहीं होता उसकी तुलना में। वैसे अपनी स्थिति में इनकी है अस्तित्व है, लेकिन उसके सामने प्राइम मिनिस्टर और के हाउस में इनका कोई वो प्रभुता नहीं है विशेष। तो ऐसे ही कहते हैं कि कोट विष्णु जहां बसत है, कोट विष्णु जा बसत हैं उस शक्ति के धाम, गरीबदास गुल बहुत हैं अल्प वस्तु नी काम, शिव शक्ति जा से हुआ
अंत कोट अवतार, गरीबदास उस अलफ को लखे सोहो करतार। अब क्या बताते हैं कि शिव जी और विष्णु भी जिससे उत्पन्न हुए हैं, उस पूर्ण परमात्मा ने उसी ब्रह्मा सभी आत्माओं को उत्पन्न किया है। उसको जो सुन लेगा, उसको देख लेगा, तो वो सच्चा सृष्टि को समझने वाला हो जाता है। आगे क्या बताते हैं, सतपुरुष हमरे रूप है तेज पुंज का कंत, गरीबदास गुल से परे चलना है बिन पंथ। बिन पंथ उस कंत के दाम चलन है मोरे, गरीबदास गति ना किसी संख सुर्ग पर डोरे। कबीर परमात्मा बता रहे हैं, संख स्वर्ग पर हम बसे सुन स्वामी ये सैन। सैन माने संकेत, इशारा कि उस संख स्वर्गों से भी उत्तम जो स्थान है वहां पर हम रहते हैं, ये संकेत सुन ले मेरा। गरीब दास हम सतपुरुष हैं यो गुल फोकट फेने। परमात्मा कहते हैं कि दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश ये कृत्रिम बाजी झूठ है, तुम सुरत समो वो श्वास। क्या बताते हैं कि जो भी तुम देख रहे हो स्वामी जी, जो तुमने देखा है सुना है, ये तो नाशवान है। ये धर अंबर कैलाश, और जो हम जिस स्थान पर हम आपको ले जाना चाहते हैं उसके लिए आप श्वासों से सिमरण करने का एक मंत्र है, उसका जाप कीजिए। अब रामानंद जी ने सोचा भाई बालक कई तक कमाल है, ये तो कति सारा है तो ताला पाड़ दिया। इसने सारी बात समझा दी, मैं सात जन्म नहीं समझ सकता जिसने दो मिनट में सारी गीता वेद समझा दिए, और कोई अग्रम मग्रम करण की जगह छोड़ी नहीं। फिर उसने के कहा लास्ट में, क्या कहा कि बच्चा आपने जो कहा इसको मैं बहुत कुछ समझ गया, लेकिन अब किसकी बात में विश्वास करूं मैं, अब तक तो ये सुनते आए एक नहीं बीस सौ ने लाखों ने करोड़ों ऋषियों ने यही ज्ञान सुनाया जो मैं घोट रहा था, जो मैंने घोट रखा था दुनिया को समझाऊं था। अब आपने जो ज्ञान बताया है ये मेरी समझ में पल्ला पड़ता ना, जबकि आप आंखों बता दिखा रहे हो, वेद और गीता भी मैं देख रहा हूं, मुझे कंठस्थ याद है, आप श्लोक बता रहे हो, मेरी बुद्धि वही कंप्यूटर की तरह पहुंच जाती है, और जो का तुम लिखा है जो आप बताते हो। तो क्या बताते हैं, कहने लगे बच्चा मैं तो बहुत साधना किए हुए हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं, बचपन से ही मैंने योग साधना और समाधि लाने का अभ्यास किया हुआ है, और मैं बहुत ऊपर तक पहुंच जाता हूं। अब परमात्मा ने सोचा जब तक इस योगी का यो भ्रम नहीं मिटेगा, यो जहां डले ढो रहा है वहां से क्या मिलेगा इस योग साधना से, तब तक इसकी बुद्धि उल्टी अटैक हो जा। तो परमात्मा बोले कि ठीक है बच्चा, स्वामी जी आप अपनी समाधि लगाओ और चलो कहां तक चलते हो। अब रामानंद जी का तो प्रतिदिन का अभ्यास था, आसन पदम लगा कर बैठ गए नू का नू और अंदर पहुंच गए त्रिवेणी के ऊपर। आगे जाके तीन रास्ते हैं, आगे जाके तीन रास्ते हो जाते हैं, और पुण्यात्माओं जंगल के अंदर इंसान जा रहा हो और आगे जाके तीन रास्ते हो जाए तो असमंजस में पड़ जाता किधर को जाऊं। अब त्रिवेणी से आगे इसकी पहुंच नहीं थी रामानंद जी की, त्रिवेणी पे यानी ऊपर जाके पहुंच जाता है, तीन दिशा बन जाती है, तीन रास्ते हो जाते। परमात्मा ने कहा त्रिवेणी पाकर डट गए, कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट में वो अटक रहे बलबीर यानी वो
विद्वान पुरुष रामानंद जी त्रिवेणी के ऊपर जाकर अड़गे, आगे वे रहना किधर जाना है, क्योंकि काल ने इनको अंदर खेलने के लिए थोड़ा सा रास्ता दे दिया, कब लॉक कर दिया। तब परमात्मा ने कहा रामानंद जी अब ये तीन रास्ते हैं, ये जो प्रथम ये बीच वाला रास्ता ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, ये मेरे सतनाम से खुल सकता है या काल अपनी मर्जी से खोल देता है क्योंकि ब्रह्मलोक तक ले जाने के लिए। और ये जो रास्ता इधर जाता है ये 88,000 खेड़ों को जाता है, और ये जो रास्ता जाता है ये त्रिब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों को जाएगा। अब आपने जो साधना कर रखी है वो इधर लेफ्ट साइड में जाने वाले रास्ते की कर रखी है, जब आपका शरीर पूरा हो जाएगा ये काल आपको इस रास्ते से यानी लेफ्ट वाले रास्ते से आपकी आत्मा जाएगी। लिखा ना 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि जो अंतिम श्वास तक मेरे ओम नाम का जाप करता यानी मेरी साधना करता है शरीर त्यागने तक, तो उससे वो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है। तो आपने विष्णु जी की साधना की हुई है और विष्णु आप ओम नमः शिवाय साथ ओम विष्णु भागवते वासुदेव नमः आदि के जाप करते हो, तो इससे आप विष्णु को इष्ट मान रखा है। ओम नाम का जो जाप आप करते हैं उसकी कमाई भी आपको विष्णु लोक में ही मिलेगी क्योंकि आपने इष्ट विष्णु मान रखे हैं। तो ऐसे ये तीन रास्ते जो बन गए हैं, जो इधर वाला रास्ता है यानी लेफ्ट साइड वाला, इसमें क्या है कि अंदर शरीर के अंदर ही से ही वो आत्मा चलती है, और आगे जाकर के तीन रास्ते बन जाए, लेफ्ट साइड के रास्ते में ये आत्मा जाएगी आपकी, और आगे जाकर के पहले धर्मराज का लोक आएगा। धर्मराज के लोक में आपका हिसाब किताब होगा, आप जाओगे विष्णु जी के लोक में, क्योंकि जो जहां के योग्य होता है नरक में जाना नरक में, स्वर्ग में जाना स्वर्ग में, जिस इष्ट के पास जाना वहीं से फैसला होता है, तो वहां से आगे से भेज दिया जाता है, वहां से आप ऑटोमेटिक आपका वो रास्ता खुल जाएगा जिसमें आपने जाना है, और फिर बंद हो जाएगा, आप जाओगे विष्णु के लोक में, और वहां अपनी पुण्य कमाई को खत्म करके फिर जाओगे कहां आपको बता दो नरक में, क्योंकि आपके सिद्धांत अनुसार दोनों कर्म भोगने पड़ते पुण्य और पाप। अब रामानंद जी का पसीने आ गए क्योंकि अंदर जब जा रहा था तब रामानंद जी की आत्मा को परमात्मा अपने मंत्र से सतनाम से जाप करके वो तीसरा बीच वाला जो ब्रह्मरंध्र है वो खोला, वो तीसरा बीच वाला रास्ता खुल करके ऊपर ले गए जहां पर ये काल बैठा था, और काल के लोक को पार करके इसके सिर पर पैर रख के काल के और ऊपर गए इस ब्रह्म लोक में, परब्रह्म के लोक में, परब्रह्म के लोक से पार करके भौर गुफा में, और भौर गुफा को पार करके सतलोक में प्रवेश किया। अब यहां से जो गए थे जो परमात्मा उनके साथ थे उस बालक रूप में रामानंद जी के साथ, ऊपर जब पहुंचे सतलोक में परमात्मा अन्य रूप में उस तेजो में शरीर के रूप में बैठे हैं, उस एक रोम कूप में करोड़ सूर्य करोड़ चांद की रोशनी भी एक रोम कूप के प्रकाश से फीकी लगे, ऐसे रूप में इतने तेजो में शरीर में, और वहां सतलोक में एक बहुत सुंदर गुमज के अंदर एक ऊंचे आसन पर परमात्मा विराजमान थे। अब रामानंद जी की आत्मा और कबीर परमेश्वर दोनों ऊपर पहुंचे, कबीर परमेश्वर बालक रूप में एक चमर उठा करके वहां परमात्मा के वो जो तकत पर विराजमान थे उसके शरीर पर ऐसे चवर करने लगे। अब रामानंद जी ने सोचा कि यू है भगवान सत्पुरुष पूर्ण परमात्मा अविनाशी परम अक्षर ब्रह्म जो गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 3 में लिखा है, और कबीर तो यहां का कोई गण होगा कोई देव होगा, इनका नौकर है भगवान का, और भाई भगवान सही यो परमात्मा अविनाशी है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो बहुत नीचे रह जाते हैं। रामानंद जी ये सोच ही रहे थे कि यू भगवान है और कबीर यहां का नौकर है, इतने में वो तेजो में शरीर वाला भगवान खड़ा हुआ सिंहासन छोड़ा और कबीर जी को वहां विराजमान कराया, कबीर जी वहां विराजमान हो गए बालक रूप में,
और वो परमात्मा खड़ा होकर के उस बालक पर चौंर करता है जैसे नौकर करता है। रामानंद जी सोचने लगा कि इस कबीर बालक पर भगवान चौंर क्यों कर रहा, कैसे करा। इतने में वो बड़ा जो भगवान था, बड़े शरीर में, तेजो में शरीर वाला, वो कबीर साहब उस बालक में समा गया। चौंर अपने आप उस बालक पर, उस अनंत असंख्य कोट के सिंहासन पर, असंख्य कोट ब्रह्मंडों के मालिक के सिंहासन पर अकेला बालक कबीर विराजमान है और चौंर अपने आप घूम रहा है। रामानंद जी का पसीने आगे, रत्रा गजब हो, यो तो बालक कोई नहीं, यो तो भगवान है, सत्य पुरुष है। तब परमेश्वर ने कहा कि जाओ प्यारी आत्मा नीचे, इतना संकेत किया था, एकदम वापस आत्मा ऊपर से ऐसे गिरी और गिरते ही समाधि खुल गई। सामने देखा तो वही बालक सामने विराजमान है जो वहां उनको कथा सुना रहा था। चरणों में गिर गया वो 104 साल का नकली महर्षि उस परम पिता के कबीर भगवान 5 वर्ष के बालक में कि चरणों में गिर गया और कहने लगा, दोहू ठोड़ है एक तू भया एक से दो, कह कबीर गरीब दास हम कारणे आए हो मगजूर। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता रे, गरीब दास सब रूप में तुम ही बोलन हार, अर्थात तेरी शक्ति से ही सब बोल रहे हैं, तेरी शक्ति के बिना तक कोई एक श्वास भी नहीं ले सकता। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हमसे, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। अब रामानंद जी कहने लगे, आप ही सच्चे भगवान हो, साहेब हो, आप ही पूर्ण संत हो, आप ही सच्चे सेवक के रूप में आप ही खड़े हो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हमसे, गरीब दास तेरे तुम रूप बिना और न दूजा अंसे। कोट कोट सिजदा करे और कोटि कोटि प्रणाम, गरीब दास अनहद अधर हम पर से तुम धाम। सुन बे सुन से तुम स्वामी में बाल बुद्धि, ब्रह्म कर्म किए नासी, गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वासी, कि वो निज ब्रह्म वो तत्व ब्रह्म तू ही है भगवान। अब मेरा पेटा भर गया, मुझे दृढ़ विश्वास हो गया तेरे बिना और कोई भगवान है नहीं। सतलोक को देख कर वो जाना परम प्रभु का भेवे, गरीब दास ये धान का सब देवन का देवे। जिसको दान कह रहा जुलाए कहते सब भगवानों का भगवान। तामाचित चक्रित भया वो देखा फजल दरबारे, गरीब दास सिद्धा किए हम पाए दीदारे। वहां जाके वो मन चक्कर काट गया रामानंद उस नकली स्वामी का ऋषि का, और ने बोला वो देखा फजल दरबार, वो परम पिता का सच्चे सच्चा दरबार, वो नाकारी दरबार देखा। और कहने लगे गरीब दास जी कह रहे हैं कि रामानंद जी ने 100 बार सिजदा किया, कहे हम पाए दीदार, हमने भगवान मिल गया, हमने देखा भगवान, अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए थे। सुन बे सुन से तुम पर तुम स्वामी में बाल बुद्धि, कर्म भरम भरम कर्म किए नासे, गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरे हो गया दृढ़ विश्वास। क्या कहते हैं, तुम स्वामी, ओए हाय स्वामी माने मालिक, कि तू स्वामी कबीर परमात्मा को 104 साल के वह विद्वान ब्राह्मण कह रहे, और मैं बाल बुद्धि, मेरा ज्ञान तो बालकों वाला था जिसको मैं सुप्रीम ज्ञान मान रहा था, मैं तो बालक कैसी बुद्धि वाला व्यक्ति हूं परमात्मा, तेरे ज्ञान का के मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, भ्रम कर्म किए नासे, गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास।
कि तू पूर्ण परमात्मा है, मेरा पक्का विश्वास हो गया। सुन बे सुन से तुम परे उर से हमरे तीर, ग्रीवदास सर्वंग में अवगत पुरुष कबीर। मैं भगता मुक्ता भया, कहां तो स्वामी मैं ऋषि पाक रहे थे, और इसको कहते हैं पुण्यात्मा। कहते हैं बखत पड़े चूके नहीं कोठे गिर ज्ञान, अपने ज्ञान ना आग लगा दे, जो नकली ज्ञान ग्रहण कर रखा था समझदार वही होता है, और तुरंत अपने सच्चे ज्ञान को ग्रहण करके अपना कल्याण करवा के पीछा छुटवा जा, या दो दिन की प्रभुता है नकली गुरु जीयों की, आगे नरक में ठोके जाएंगे। क्या कहते हैं, मैं आपका भक्त 104 साल का वृद्ध और ब्राह्मण और ऋषि महर्षि को आवा था, बोला मैं तो आपका भक्त मुक्त हो गया, मेरा तो सारा ही कर्म कुंद आपने सारी बीमारी खत्म कर दिया, ज्ञान अंधेरा हटा दिया। गरीब दास से अवगत मिल गए, अब मिटगी मन की बांसे। मन जो यही उलझ पुलझ हो रहा था, विष्णु के लोक में जाऊंगा नो करूंगा, वहां इसे देवता बनकर रहते हैं, वहां ये ठाट रहते, कहते सारे हिरडंगा हट गए, तो अब ये चाह तो कति खत्म होगी, भगवान ईश्वर को परोख की हमना नहीं चाहिए। दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, ग्रीवदास हम कारणे आए हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर सुभान, ग्रीवदास हम मुक्ता भये मारे उदरे पिंड और प्राण। हमारा तो जीव उद्धार हो गया मालिक, पुण्यात्माओं बुद्धिमान उसी को कहते हैं, उसी को हम साधक और संत मानते हैं, भक्त मानते हैं, जो भगवान के लिए प्रयत्न कर रहा है, वो भगवान से ही हमने, और भगवान सामने आके कहने लग रहा है मैं भगवान भाई सुन रामानंद राम हम, सुन रामानंद सृष्टा में ए स्वामी सृष्टा में, और सृष्टि हमरे तीर दास गरीब अधर वसु में अवगत सत कबीर। कबीर जी कहते हैं कि मैं अधर सतलोक में भी रहता हूं, और सभी सर्वव्यापक मेरी ही शक्ति है, और सामने से प्रमाण देख लग रहा है फिर भी अग्रम अग्रम करता, वो फिर कुछ नहीं है, वो तो नालायक आदमी है, भगवान की ट्राई में है और भगवान का रास्ता मिलन लग रहा है, फिर उस रास्ते पर नहीं चलते हैं, कुमार्ग पर जा रहे हैं, फिर वो तो भांग पी रहे हैं इस अभिमान की, उनको भगवान नहीं, उनको यहां का काल का जो अभिमान चाहिए, मान और सम्मान चाहिए। ये मान सम्मान तो कुछ दिनों का है, फिर असंग जन्मों का पाड़ टूट जाएगा, कभी गधे बनेंगे, कभी कुत्ते बनेंगे, कभी सुअर बनेंगे। अब स्वामी जी ने, रामानंद जी महापुरुष ने परमात्मा को दो रूप में देखा, सतलोक में भी है वो, अन्य रूप धारण करके यहां पर भी आता है। ओहो, अब गीत यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 1 में दो बार लिखा है परमात्मा की दो स्थिति बताइए। अग्ने तनुरसी, परमात्मा स शरीर है परमेश्वर, और विषणवे तवा सोमस्य तनुरसी, उस परमेश्वर की पालन सबको संभाल करने के लिए भी और शरीर है, अमर शरीर है, अन्य शरीर धारण करता है, वो अतिथि रूप में कुछ समय यहां आता है, और यहां अतिथि रूप में रह करके अपने तत्व ज्ञान की बोछार करता है, और वो तीव्रगामी पक्षी की तरह आता है। गरीबदास जी कहते अलल पंख जो मार्ग मोरा, अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थेरे, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। तो ऐसे ही वेद बता रहे हैं, ऐसे ही गीता बता रही है, ऐसे ही परमात्मा की अमरवाणी बता रही है कि वो परमात्मा कबीर है,
और वो सतलोक में भी रहता, आंखों देखे संत उनके गवाह बता रहे हैं कि दो ठोड़ है, एक तू भया एक से दो, और गरीब दास हमकार ने तुम आए हो मग जो, हमारे लिए ही आप सतलोक से चलकर यहां पर आए हो। आपका आपको यजुर्वेद दिखाते हैं, ये देखिएगा यजुर्वेद, ये महर्षि दान सरस्वती के द्वारा अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। अब इसके 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र आपको दिखाते हैं। अथ पंचमा अध्याय आरंभ, ये प्रथम मंत्र है। इसमें लिखा अग्ने तनुरसी, अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, असी माने है। विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णुवे माने सबकी संभाल करने के लिए, तनु माने शरीर, असी माने है। विष्णुवे तवा सोमस्य विष्णुवे तवा अतिथे राति अतिथ्य मसी, विष्णुवे तवा सेनाय सेनाय माने अलल पंख की तरह, यानी तीव्रगामी पक्षी की तरह। तवा सोम भरते विष्णुवे तवा अग्ने तवा राय पोष दे विष्णुवे तवा, इसका अर्थ ये बनता है कि वो परमात्मा दो रूप में है, अग्ने तनुरसी परमात्मा सह श्री है, और विष्णुवे तवा सोम से तनुरसी, विष्णुवे माने सबके पालन पोषण के लिए, सबकी संभाल के लिए, सर्वव्यापकता के लिए भी, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनुर माने शरीर, असी माने है। इन्होंने अड़ंगा कर रखा है इसका, स्वामी जी ने अनुवाद किया है। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्ने माने बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के, यहां अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने शरीर के शरीर है परमात्मा सह शरीर, यह अर्थ होता उसके विष्णु माने संग यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता हूं। बट कोई अर्थ हुआ इसका? विष्णुवे असोम से जगत में उत्पन्न हुए पदार्थ समूह तनु माने विस्तार पुरुष आगे, उसको वायु शुद्धि के लिए उपयोग करता हूं। अतिथ्य सन्यासी और आदि का अतिथम अतिथिपन व उसकी सेवा रूप कर्म असी माने है, उसको विष्णुवे विज्ञान की प्राप्ति के लिए बता, सेन पक्षी के समान शीघ्र जाने के लिए, यो सेन आए, ये अलल पंख का हमारा विवरण है इसमें। तो कहने का भाव ये कि स्वामी जी ने तड़ंगा करने का ठेका ले रखा था, इनका गुड़ गोबर कर गया, और हम इनको संस्कृत का भाषा के जानने के कारण इनको महर्षि की पदवी दे दी है, और ये जाने को नहीं थे कह भी। सेनाए माने वो अलल पंख परमात्मा, तो कभी बताएंगे आपको अलल पक्षी किसे कहते हैं, उसकी कैसे वो आना होता है, कैसे वो जाता है। इसमें है कि जो परमात्मा अतिथि माने कभी भी आ जाओ, जिसके आने की किसी को ज्ञान ना हो। रामकृष्ण के बारे में तो पहले बता दिया जाता है, अब 10वां अवतार आवेगा और वो कलयुग में आवेगा, उसका पूर्व निर्धारित है कि संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर उसका जन्म होगा, और फिर वो कौन होगा, वो राजा हरिश्चंद्र की आत्मा होगी, और वही आकर के एक लंबी तलवार होगी उसके हाथ में, और उस समय कृतघ्नी लोगों को ऐसे काटेगा जैसे परशुराम ने अक्षत्रिय काट दिए थे, और फिर वो राजा हरिश्चंद्र इतना दोषी पाप का भागी हो जाएगा, उसको नरक में ठोका जाएगा। ये इस काल का जाल है। जैसे परशुराम जी अपने पुनकर्मी प्राणी थे, स्वर्ग में चले गए विष्णु जी के पास, विष्णु जी का फिर अवतार बना के भेज दिया, यहाँ का प्रतिनिधि तो देकर भेज दिया, उसने अक्षत्रियों को काट डाला, बुरी तरह खत्म कर दिए। अब उसके वो बैड अकाउंट में लिख दिए परशुराम जी के, उस बुरे खाते में लिखे गए वो पाप, और जब तक उसके पुण्य चलेंगे इतने वो स्वर्ग में रहेगा, जब पापों का नंबर आएगा परशुराम जी नरक में ठोक दिया जाएगा।
क्योंकि यहां पर दोनों भोग भोगने पड़ते हैं। जब तक पूर्ण संत नहीं मिलता, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं मिलती, ऐसे राजा हरिश्चंद्र जी को डाल दिया जाएगा। तो कबीर परमात्मा के आने के बारे में ना किसी ने पता चला, ना विष्णु जाना, ना शिव जी, ना ब्रह्मा, और ना इस काल को पता चलता। अतिथि का अर्थ होता है जो जिसके आने की कोई तिथि निर्धारित ना हो, कभी भी आखड़ा हो, और वो परमात्मा कुछ समय के लिए रहता है, उस समय अपने ज्ञान को प्रचार करता है और वो इतनी शीघ्रता से आ जाता है और शीघ्रता से चला जाता है। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बड़ेरी खांसी, जन्म मरण का तृष्णा बड़ेरी खांसी, आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। भाई साचा सतगुरु को ये न पूजे इन झूठो जगपति आवे, साचा सतगुरु को ये न पूजे इन झूठो जगपति आवे। अंधे की बाग ही अंधे न ये मार्ग कौन बतावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया ना तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया ना तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए किया ना तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा। जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, भाई सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी गस गस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या।
रोगिया रे जग सारा रो, जिन सतगुरु वैद न जाना जग सारा।